हाँ तो मित्रों, स्वागत है आपका एक और मैडविक्स के बकचोद ज्ञान वाले वीडियो में। और आज अपन बात करेंगे यार पार्टीशन रिलेटेड समस्याओं के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के जीवन में जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो जिसके चलते उनके जो फोल्डर वगैरह वो बढ़ जाते हैं, तो उनको बहुत बार ज़रूरत पड़ती है किसी पार्टीशन के साइज को इंक्रीज करने की, डिक्रीज करने की। तो इस तरह की सारी समस्याओं को इस वीडियो में आज सुलझाया जाएगा। तो हमेशा की तरह मेरा नाम विक्की, तो हमेशा की तरह क्या मतलब, हमेशा यही रहेगा। और आप देख रहे हो मैडविक्स, ये वाला शायद ये ना रहे। तो चलो फिर आज का एक और बकचोद ज्ञान वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो यार अपना वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मेथड के साथ में। और यार इसके लिए तुम्हें जाना है डिस पीसी या माई कंप्यूटर में, और यहाँ पे तुम्हें करना है राइट क्लिक, और यहाँ पे खुल जाएगा एक बड़ा खूबसूरत सा पॉपअप, और इसके अंदर तुम्हें जाना है डिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं करूँगा वो करूँगा अपने दूसरे कंप्यूटर में, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे इस मेन सिस्टम की ज़िंदगी में कुछ भी समस्याएं आएँ। तो एक बार अपन स्क्रीन स्विच कर लेते हैं, बाकी का सारा काम अपन वहाँ करेंगे। तो यार यहाँ आ गया हूँ मैं अपने मेन सिस्टम पे, और यहाँ पे देख सकते हो एक ही ड्राइव इसके अंदर है, और मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाके कि यहाँ पे देखो एक ही ड्राइव है। तो इसी में से मैं कुछ स्टोरेज अपना निकालूंगा और एक नया ड्राइव बनाऊंगा। तो यार जो स्टोरेज है उसको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, करंट स्टोरेज में से थोड़ा सा जो स्पेस है जितना तुम निकालना चाहते हो उसको करना पड़ेगा श्रिंक। अब ऑब्वियस सी बात है उतना स्पेस अवेलेबल होना भी चाहिए, ऐसा ना हो पूरा ड्राइव भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करेंटली 10 GB सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो A1024 होते हैं 1 GB के अंदर, तो उसके बाद में 1 0 और लगा दो तो 10 GB हो जाएगा एक्यूरेटली। तो यहाँ पे मैंने फिल कर देता हूँ और कुछ सेकंड से लगाएगा और ये तुम्हारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये स्पेस हो चुका है, लेकिन इसको तुम्हें करना पड़ेगा एलोकेट। तो एलोकेट करने के लिए यहाँ पे बस सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करना है, सारा काम नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसके बाद में जो पूरा ड्राइव है तुम्हारा नामकरण वगैरह करने के बाद में मस्त बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्यूटोरियल है, कुछ भी इसके अंदर नौटंकी नहीं है। यहाँ पे देखो मस्त इसने बता दिया है कि तुम्हारा ड्राइव बन चुका है, अब तुम देखना चाहो तो यहाँ पे देख ही सकते हो। तो एज यू कैन सी यार हमारा बड़ा प्यारा सा ड्राइव यहाँ पे बन चुका है। लेकिन अगर किसी को भी इस मैनुअल मेथड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको नेक्स्ट मेथड फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर मैं किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो एक बार यार सेकंड मेथड को भी फटाफट से देख लेते हैं। सेकंड मेथड में बढ़ने से पहले अगर तुम्हारा काम यहीं पर हो गया तो इस वीडियो को मस्त एक लाइक कर दो, और अगर नहीं हुआ है तो आगे करवा देंगे तब कर देना यार। तो बेसिकली यार सेकंड मेथड के अंदर अपन यूज़ करने वाले हैं एक टूल को, इसका नाम है ईज यूज पार्टीशन विजार्ड। और कहने को तो यार ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, कहने को क्या लेने को भी प्रीमियम ही है, लेकिन कुछ जो हमारा अभी का काम है वो फ्री वर्जन में हो जाता है। यहाँ पे इनके कुछ वर्जन है, सारी लिस्ट वगैरह इन्होंने पूरा यहाँ पे फैलाया हुआ है। और अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम्हें प्रीमियम वर्जन भी लेना है तो फ्री ट्रायल तो अवेलेबल है ही, और फ्री ट्रायल में तुम अपना काम करो उसके बाद भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो तुम कर ही सकते हो बड़े आराम से। तो ये इनकी साइट है, यहाँ पे तुम जाओगे और इसको डाउनलोड करके मस्त इंस्टॉल कर लेना। बाकी देख लेना यार, कई बार वही होता है किसी तरह की फालतू चीज़ें भी इंस्टॉल हो जाती है। तो एक बार इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लोगे तो इसे ओपन कर लेना, बड़ा कूल सा इसका UI है। अब यहाँ पे देख लो दो ड्राइव है मेरे पास, डाटा ड्राइव विंडो ड्राइव, बाकी जो दो हैं वो फालतू के हैं, वो मेरे को विंडो एक्सप्लोरर में मेरी फाइल मैनेजर में दिखाई नहीं देते, वो सिस्टम बेसिकली अपने आप बनाता है। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, जो डाटा ड्राइव है इसमें से कुछ स्टोरेज निकालेंगे पहले की तरह, और उसके लिए तुम्हें यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और सबसे ऊपर ही मिल जाएगा रीसाइज का। तो यहाँ पे देख रहे हो इतना बता रहा है, इतना स्पेस यहाँ पे भाई खाली है, अगर इसके अंदर तुम्हें स्टडी मटेरियल डालना है तो तुम डाल सकते हो। तो यार यहाँ पे मैं कुछ रैंडम स्टोरेज श्रिंक कर लेता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये आ चुका है, लेकिन अभी क्या है कि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तुम्हें पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तब ये असल में वर्क करेगा, ये अभी जस्ट तुमने कमांड सेट की थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ वार्निंग वगैरह देता है, तो जो भी तुम्हारी ऐप्स है उसको बंद कर देना, उसके बाद ये सारी नौटंकी करना, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। तो अपना डाटा वाटा को सेव करने के लिए सारी ऐप्स बंद कर लेना, इसको छोड़ के ऑब्वियसली ये बंद होगा तो थोड़ी चल रहा होगा। तो एक बार तुम्हारा ये काम हो जाएगा कुछ सेकंड से लगाएगा, और यहाँ पे जो तुम्हारा स्टोरेज है वो श्रिंक करके तुम्हें दे देगा। तो यहाँ पे हो चुका है, रिव्यू व्यू नहीं देना भाई, नहीं देना। तो यार यहाँ पे तुम देख सकते हो ये अनलोकेटेड स्पेस है, इसका मतलब ये है कि ये आ तो चुका है लेकिन ये तुम्हारे जो फाइल मैनेजर है उसके अंदर कहीं पे लोकेटेड नहीं है। तो वो तुम्हें करना पड़ेगा, पहले स्टेप में भी हमने मैन्युअली किया था और यहाँ पे भी हम करेंगे। तो वो करना बड़ा सिंपल सा काम है, अगेन राइट क्लिक करो और यहीं पे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट का, कुछ नामकरण वगैरह कर देना ड्राइव के और लेटर वेटर असाइन कर देना। उसके अलावा बाकी चीज़ें मैं तो जनरली डिफॉल्ट ही छोड़ देता हूँ, तुम चाहो तो फॉर्मेट वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बट मैं इनको छूता नहीं हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे बस ओके पे क्लिक करो, और अगेन इसको एग्जीक्यूट करना मत भूलना, सोचोगे ऐसे हो जाए तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगाएगा और जो भी तुम्हारा काम है पूरा फोल्डर तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। मे बी नोटिफिकेशन आए, लेकिन तुम फाइल मैनेजर में जाके देखोगे तो बिल्कुल तुम्हारा जो फोल्डर है वो बन चुका होगा। तो मैं भी यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ, मतलब फाइल मैनेजर। तो यहाँ पे देख ही सकते हो तुम, ये बन चुका है। तो यार यहाँ पे पहुँचने में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो यार इस बार चैनल को सब्सक्राइब भी करना है
और अगर स्टिल कुछ नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं यार, वीडियो को देखते रहो, प्रॉब्लम तो हम सॉल्व करके ही रहेंगे। तो यार फाइनली थर्ड मेथड उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही डिजिटल प्रॉब्लमें चल रही है, मतलब दो मेथड से भी सॉल्व नहीं हो, क्या कर रहे हो यार। बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम एक और टूल यूज़ करने वाले हैं और ये डेफिनेटली तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसने मेरा भी बहुत बार किया है। और उसके बाद में ये है कि इसका जो फ्री वर्जन है वो काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो वैसे ही लेके आता है पहले वाले से, तो डेफिनेटली बेटर है। तो इसको भी तुम यहाँ पे डाउनलोड वगैरह कर लेना। अगेन फ्री की चीज़ में थोड़े ड्रामे होते हैं, देख लो यहाँ पे कुछ फालतू की चीज़ें भेज रहा है, तो इसको थोड़ा सा देख लिया करो इंस्टॉल करते टाइम। ये कह रहा है दोबारा करना है, हाँ भाई करना है, मेरा मन कर रहा है करना है, तो इसको दोबारा करवा देता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पे इसे मैंने ओपन कर लिया। अब इसका नाम तुम्हें बताया नहीं, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, मिनी पार्टीशन टूल विजार्ड। और काफ़ी ठीक ठाक टूल है, काफ़ी स्टार्ट से यूज़ कर रहा हूँ। पहले ये फ्री हुआ करता था, फिर इनको बाद में लगा पैसे कमाने चाहिए तो इन्होंने शुरू कर दिया। तो अगेन तुम्हारे को यहाँ पे जो भी ड्राइव है उसमें से कोई स्टोरेज श्रिंक कर लेना, पहले वाले की तरह इंटरफेस है यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने राइट क्लिक करके कुछ रिसाइज कर लिया है और यहाँ पे भी वही अप्लाई वगैरह का लोचा सेम रहता है, मतलब तुम करोगे तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टोरेज जो है वो श्रिंक कर लिया है, अब ये यहाँ पे आ चुका है। अगेन इसको एलोकेट करना पड़ेगा तुम्हें पहले दोनों मेथड की तरह, और यहाँ पे भी सेम है, इंटरफेस में कोई ज़्यादा फ़र्क तुम्हें मिलेगा नहीं। इवन ये पुराना टूल है वो शायद बाद में आया था, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इवन बहुत पहले से यार, मतलब मैं बहुत छोटा था, बहुत पुरानी कहानी है, तो फिर कभी सुनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे तुम इसे अप्लाई पे क्लिक करो और ये तुम्हारा स्टोरेज है वो हो गया। तो यार आई गेस तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी सॉल्व हो गई होंगी। स्टिल कुछ रह जाते तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए है भाई, मैं तो वहाँ पे कमेंट करूंगा नहीं, मस्त वहाँ पे कमेंट डाउन करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं सारी समस्याएं मिटाने के लिए ही हूँ इस धरती पे। तो यार फाइनली अगर तुमने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे दूसरे किसी वीडियो में। अबे बेवड़े उल्टा बोल के आ गया।